मेरा मध्य प्रदेश है हृदय का है यह मेरे मेरा मध्य प्रदेश हेलो गाइस आप लोगों ने ये सॉन्ग तो सुना होगा मेरा मध्य प्रदेश है यह मेरा मध्य प्रदेश है तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में मध्य प्रदेश एंड इट्स वेल्थ ये चैप्टर ई क्लास फिफ्थ से लिया गया है चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री मध्य प्रदेश एंड इट्स वेल्थ तो चलिए हम इसको मिस अपने मध्य प्रदेश को और इसमें पाई जाने वाली धन संपदाओं को पढ़ते हैं नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास फिफ्थ ई बी एस चैप्टर ट्वेंटी थ्री मध्य प्रदेश एंड इट्स वेल्थ मध्य प्रदेश और उसकी धन संपदा आज हम पढ़ने वाले हैं उस मध्य प्रदेश के बारे में जहाँ पर हम रहते हैं और हमारा मध्य प्रदेश में बहुत सारी धन संपदा पाई जाती है तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज़ प्लेट्यू प्लेट्यू क्या है सो आंसर द प्लेन अपर सरफेस ऑफ हाई माउंटेंस इज़ नॉन एज प्लेट्यू मीन्स हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी माउंटेंस हैं और उन माउंटेंस का जो अपर सरफेस जो प्लेन होती है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं नाउ नाउर सेकेंड क्वेश्चन हाउ मैनी प्लेट्यू हैज मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कितने प्लेट्यू होते हैं मध्य प्रदेश है फाइव प्लेट्यूज होते हैं अब मध्य प्रदेश हैज फाइव मेन प्लेट्यू नाउ फर्स्ट इज़ मालवा प्लेट्यू सेकेंड द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड थर्ड रीवा पन्ना प्लेट्यू रीवा पन्ना हमारा जो सतना है वो रीवा और पन्ना के बीच में आता है और आपने देखा होगा कि पन्ना आते समय घाटी पड़ती है पन्ना हमारा माउंटेंस के ऊपर है और इसीलिए इसको प्लेट्यू बोला गया है रीवा पन्ना प्लेट्यू इसको नाम दिया गया है नाउ फोर्थ है बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड फाइव है बघेलखंड खंड नाउ नाओबर क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अब हम देखते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की फूड क्रॉप्स पाई जाती हैं सो क्रॉप्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स क्रॉप्स टू टाइप्स की होती हैं फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स एंड सेकेंड कॉमर्शियल क्रॉप्स तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़ूड क्रॉप्स किसे कहते हैं और कॉमर्शियल क्रॉप्स किसे कहते हैं सम आर एज सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट ग्रैम पैडी वो क्रॉप्स जिनको हम जो अनाज के रूप में हम जिनको खाते हैं उनको फूड क्रॉप्स कहते हैं एंड नेक्स्ट है कॉमर्शियल क्रॉप्स कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं सम crops आर used बाय the इंडस्ट्रीज वो crops जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं are known as commercial crops जैसे अब हम समझेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और क्यों हम इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल फैब्रिक फैब्रिक बनाने के लिए जैसे कपड़ा बनाने के लिए हम कॉटन का यूज करते हैं तो कॉटन भी हमारा एक क्रॉप है एंड सूगर फ्रॉम सूगर कैन सुगर से सुगर न बनाते हैं नाउ बट थर्ड क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्रॉप्स कितनी तरह की होती है सो अवर आंसर इज क्रॉप्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स ये हमारी मेनली टू टाइप्स होती है फर्स्ट फूड क्रॉप्स एंड सेकेंड कॉमर्शियल क्रॉप्स तो वो क्रॉप्स जो हम खाने में यूज करते हैं सम क्रॉप्स आर यूज एड सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट वीट ग्रैम एंड पैडी इनका यूज हम खाने में करते हैं इसलिए इनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं एंड नेक्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप्स सम क्रॉप्स आर यूज बाय द इंडस्ट्रीज कुछ क्रॉप्स का यूज हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं और इसीलिए इनको हम कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं फॉर एग्जांपल फैब्रिक फ्रॉम कॉटन और फैब्रिक किसे बनता है फैब्रिक मीन्स होता है क्लॉथिंग मटेरियल ठीक है जिसकी हम लोग ड्रेस पहनते हैं ना ड्रेस बना के पहनते हैं वो होता है फैब्रिक तो कॉटन से फैब्रिक बनाया जाता है इसलिए कॉटन क्या है कॉमर्शियल क्रॉप्स है एंड सुगर फ्रॉम सुगर कैन सुगर कैन से सुगर बनाया जाता है इसलिए सुगर भी सूगर कैन भी हमारा कॉमर्शियल क्रॉप्स में आता है एंड ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स ऑयल से ऑयल सीड्स बनाए ऑयल सीड्स से ऑयल बनाया जाता है इसलिए ऑयल सीड भी कॉमर्शियल क्रॉप में आता है नाउ नाबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर सॉर्ट आउट द फूड क्रॉप्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स फ्रॉम द लिस्ट गिव इन ब्लो अब अभी हमने आपको बताया था कि फ़ूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं एंड कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी होती हैं तो अब आपको यहाँ पर कुछ क्रॉप्स दिए हुए हैं क्रॉप्स के नेम लिस्ट में दिए हुए हैं इनमें से आपको सॉर्ट आउट करना है कि फूड क्रॉप्स कौन सी हैं और कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं ओके सो फर्स्ट है हमारा वीट तो वीट वीट को हम खाते हैं खाने में यूज़ करते हैं इसलिए फूड क्रॉप में आएगा एंड कॉटन कॉटन का यूज हम कॉमर्शियल यूज़ फैब्रिक बनाने के लिए करते हैं इसलिए ये किस में आएगा कॉमर्शियल क्रॉप्स में आएगा ओके okay? ओके सो कॉटन इज़ अवर कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड सोयाबीन सोयाबीन भी हम सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल बनाते हैं इसलिए इसको कॉमर्शियल क्रॉप्स में आता है ये नाउ तुअर तुअर दाल होती है जिसको हम अरहर दाल कहते हैं इस इसको हम खाने में यूज करते हैं इसलिए फूड क्रॉप में आएगा नाउ नेक्स्ट पीनट पीनट क्या होता है पीनट होता है मूंगफली इसको भी हम ऑयल बनाने में यूज करते हैं इसलिए कॉमर्शियल क्रॉप में आएगा नाउ शुगर कैन शुगर कैन से शुगर बनाया जाता है इसलिए शुगर कैन भी कॉमर्शियल ट्रॉप में आएगा नाउ लेंटिल लेंटिल क्या होता है लेंटिल मीन्स होता है मसूर मसूर की दाल इसको हम फूड क्रॉप में खाने में यूज करते हैं इसलिए फूड क्रॉप में आएगा कॉर्न कॉर्न का यूज भी फूड क्रॉप में आएगा राइस फूड क्रॉप एंड लिन्ड लंसीड क्या होता है लिन्ड होता है अलसी अलसी का यूज हम आ, इसको हम ऑयल बनाने में करते हैं अलसी का यूज़ इसलिए ये कॉमर्शियल क्रॉप में आएगा टाइड टाइड क्या होता है टाइड मीन्स होता है ज्वार ये भी एक तरह का फूड क्रॉप है खाने में यूज करते हैं मिलेट मिलेट मीन्स होता है बाजरा बाजरे का यूज भी हम खाने में करते हैं एंड सीसेम सीसेम मीन्स होता है तिल तिल का यूज़ भी हम ऑयल बनाने के लिए करते हैं इसलिए ये हमारा कॉमर्शियल क्रॉप्स में आएगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द नेम ऑफ डिफरेंट मिनरल विद देयर यूटिलिटी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और मिनरल्स का यूज़ किस लिए करते हैं वो आपको राइट करना है सो फर्स्ट मिनरल इज अवर आयरन आयरन इज़ अ मिनरल अब बताइए आयरन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं सो so, आयरन का यूज़ सबसे पहले हम यूटेंसिल्स बनाने में एंड बिल्डिंग्स बनाने में एंड फर्नीचर ओके नाउ नेक्स्ट है कॉपर कॉपर का यूज़ कोइंस कॉपर के कॉन बनाए जाते हैं एंड इलेक्ट्रिकल बायर्स एंड यूटेंसिल्स एंड गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर भी एक तरह के मिनरल है इनका यूज़ भी कॉइंस ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम में आता है नाउ नेक्स्ट है डायमंड डायमंड का यूज ज्वेलरी बनाने में करते हैं एंड ग्लास कटिंग में करते हैं नाउ नेक्स्ट कोल कोल का यूज इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में करते हैं एंड फ्यूल में ओके कोल कोलमीस होता है कोयला नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इन आवर स्ट्रीट इन विच डिस्ट्रिक्ट द मेजर मिनरल्स आर फाउंड अब आपको बताना है कि हमारे स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में मीन्स हमारा स्टेट जो मध्य प्रदेश है उसके किस डिस्ट्रिक्ट में मिनरल्स अधिकतर पाए जाते हैं सो so, अबर जैसे डायमंड अब डायमंड हमारा कहाँ पाया जाता है पन्ना में डायमंड पन्ना कॉपर बालाघाट एंड लाइम स्टोन कटनी नीमच एंड मंदसौर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय कंप्लीटिंग द टेबल अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसको आपको कंप्लीट करना है इसमें कुछ मिनरल्स के नेम दिए हैं और आपको बताना है कि ये डिफ़रेंट मिनरल्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ओके okay, तो फर्स्ट है हमारा डायमंड तो डायमंड जैसा हमने अभी पहले बताया पन्ना में पाया जाता है मैग्नीज बालाघाट कोल सिंगरौली एंड सुहागपुर बालाघाट एंड कॉपर बालाघाट में पाया जाता है लाइमस्टोन कटनी नीमच एंड मंदसौर आयरन जबलपुर मंडला एंड बालाघाट एंड बॉक्साइट रीबा सतना कटनी एंड मंडला नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट समटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश आर नॉन बाय फेमस नेम राइट द नेम ऑफ सिटीज कुछ सिटीज़ को मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जिनके नेम फेमस हैं उनको हम फेमस नेम से जानते हैं तो वो सिटीज़ आपको बताना है कि वो सिटीज़ कौन सी हैं यहाँ पर कुछ फेमस नेम दिए हुए हैं आपको सिटी का नाम राइट करना है ओके तो फर्स्ट है जैसे हमारा मार्बल सिटी मार्बल सिटी हम जबलपुर को कहते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा पचमढ़ी सिटी ऑफ लेक्स भोपाल सिटी ऑफ टेंपल्स उज्जैन एंड सिटी ऑफ वाइट लॉइन रीवा ओके आ, रीवा में जो मुकुंदपुर है वहाँ पर वाइट लॉइड पाया जाता है वहाँ पर आप सभी देखने भी गए होंगे वाइट लॉइन को तो रिवा को हम सिटी ऑफ वाइट लाइन कहते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन आंसर इन वन वर्ड अब यहाँ पर आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपने पूरा चैप्टर रीड किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस में देना है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन डायमंड इज़ फाउंड इन विस डिस्ट्रिक्ट डायमंड किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है सो आंसर इज पन्ना नाउ नेक्स्ट वेयर इज सोयाबीन प्लांटेड सोयाबीन कहाँ पर प्लांटेड किया जाता है सो आंसर इज कहाँ पर किया जाता है मीन्स सबसे ज्यादा कहाँ पर सोयाबीन होता है तो so, वो है उज्जैन धार देवास एंड रतलाम नाउ थर्ड क्वेश्चन फॉर विच पर्पज हॉर्स इज यूज हॉर्स का यूज किस पर्पज़ के लिए किया जाता है हॉर्स इज यूज फॉर राइडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ठीक है या तो उसका यूज उस राइडिंग के लिए हम करते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं नाव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर विच प्लेस इज नॉन्ड एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा कौन सा प्लेस क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहलाता है सो आंसर इज पचमढ़ी नाव नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर इज फाउंड इन विस डिस्ट्रिक्ट पर किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है सो आंसर इज बालाघाट नाउ नेक्स्ट वेयर इज वीट प्लांटेड वीट कहाँ पर प्लांटेड किया जाता है सो आंसर इज देखो वैसे तो सभी जगह किए जाते हैं मध्य प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में वीट प्लांटेड किए जाते हैं लेकिन यहाँ पर हमारा मीनिंग है सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पर प्लांटेड किए जाते हैं सो आंसर इज होशंगाबाद भोपाल हरदा एंड मालवा रीजन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेन फॉर वाट परपज सीप इज यूज सीप का यूज किस लिए करते हैं सो आंसर इज सीप इज यूज फॉर देअर वूल उसकी वूल के लिए एंड मिल्क एंड मीट के लिए ओके और वूल का यूज किस लिए करते हैं स्वेटर बुनने के लिए ओके स्वेटर सॉल एट्सट्रा नाव नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेस इज नॉन एज मार्बल स्टोन किस प्लेस को मार्बल स्टोन कहते हैं सो आंसर इज जबलपुर नाव नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन इज यूज फॉर विच पर्पज आयरन का यूज किस परपज के लिए किया जाता है आंसर आयरन इज यूज फॉर बिल्डिंग फर्नीचर एंड यूटेंसिल नाव नेक्स्ट क्वेश्चन डायमंड इज यूज फॉर विच पर्पज डायमंड का यूज़ किस परपज के लिए किया जाता है सो आंसर डायमंड इज यूज फॉर ज्वेलरी एंड ग्लास कटिंग नाव नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टू रिवर्स ऑफ एम पी एम पी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कोई टू रिवर्स के नेम बताना है सो आंसर इज नर्मदा ताप्ती माही एंड गोदावरी ये फोर रिवर्स हैं इनमें से आपको कोई भी टू रिवर्स लिख देना है ओके नाव नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टू चीफ क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की टू चीफ क्रॉप कौन कौन सी है सो आंसर इज सोयाबीन एंड ग्राम ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इन द मैप ऑफ मध्य प्रदेश फाइंड आउट द फॉलोइंग्स यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का मैप दिया हुआ है इस मैप में आपको ये डिफरेंट थिंग्स जो लिखी हुई हैं वो बताना है जैसे फर्स्ट है आपका सिटी ऑफ लेक्स तो सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं जैसे कि सिटी ऑफ वाइट लोइन सिटी ऑफ वाइट लॉइन हम कहते हैं रीबा को तो आपको इस मैप से रीबा को फाइंड आउट करना है नाउ थर्ड है सिटी ऑफ मार्बल स्टोन मार्बल स्टोन की सिटी किसे कहते हैं जबलपुर जबलपुर को आपको फाइंड आउट करना है इसीलिए इसी तरह सिटी ऑफ महाकालेश्वर टेम्पल महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पाया जाता है उज्जैन में तो आपको उज्जैन को फाइंड आउट करना है ओके सो लुक एट दिस मैप इस मैप को आप देखिए और फिर फाइंड आउट कीजिए ये डिफरेंट थिंग कहाँ पर है ये मैप दिया हुआ है और इस मैप में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं जैसे हमारा सतना रीबा उज्जैन कहाँ पर है ठीक है तो वो आपको पहले देख लेना है बहुत अच्छी तरह से और फिर हमारा जो नेक्स्ट मैप होगा वो होगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट के नेम नहीं लिखे रहेंगे तो आपको उसमें डिस्ट्रिक्ट के नेम राइट करना है और जैसे हमारा ये मैप है इसमें डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखे हुए नहीं हैं आपको इसमें देखना है कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश का ही मैप है और मध्य प्रदेश के मैप में हमें सतना रीबा उज्जैन भोपाल ये सब फाइंड आउट करना है ओके okay? तो फाइंड आउट कीजिए और नेम राइट करिए कि, कि सिटी ऑफ़ लेक किसे कहते हैं सिटी ऑफ मार्बल स्टोन ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू